तो और भाई लोग, क्या हाल है यार? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, या फिर UPSET एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, या फिर आप सिंपली बोल सकते हो किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने का जो एफिशिएंट तरीका होता है, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। जो जिन बच्चों ने कोचिंग ज्वाइन करी होगी, किसी न किसी टीचर से कॉन्टैक्ट में होंगे, तो उनको वो टीचर गाइड करते होंगे कि आप ऐसे ऐसे कर लो। बट जिन लोग किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं होंगे या फिर उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होगा, तो उनके मन में एक क्वेश्चन हमेशा आते होंगे कि कैसे पढ़ें कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ, किस तरीके से पढ़ें, क्या तरीका होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने का। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात की है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है वीडियो आपके लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखो, बोर्ड का जो पढ़ने का तरीका होता है बोर्ड्स के लिए, वो बहुत ज़्यादा अलग होता है। बोर्ड्स में होता क्या है कि आपको पूरा सिलेबस करना होता है, सिर्फ पूरा सिलेबस ठीक ठाक तरीके से कर लेना होता है। और एंट्रेंस एग्ज़ाम में पढ़ने का तरीका बहुत ज़्यादा अलग होता है। तो जैसे आप सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हो, ये द स्टेज ऑफ मियोसिस इन विच पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम स्टार्ट्स इज कॉल्ड। अब इसका आंसर तो नहीं बताऊंगा मैं, आपको खुद ही ढूंढ करना होगा। बस मैं ये बता दूंगा कि इसका आंसर कहाँ से मिलेगा। ये क्वेश्चन उठाया गया है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से, मियोसिस का क्वेश्चन है ये। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के दो पार्ट हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो ये मियोसिस का जब टॉपिक आप उठाओगे, तो वो अगर अच्छे से करोगे, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही आंसर कर पाओगे। तो यही तरीका होता है एंट्रेंस एग्जाम को पढ़ने का कि देखो, आपने जैसे आपके पास पिछले 2-3 साल के पेपर हैं, तो आपको जो टॉपिक पढ़ना है, जैसे मान लो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ना है, तो आपने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन उठाया और पहले मेन टॉपिक्स उस चैप्टर के करे, फिर वो चैप्टर धीमे धीमे सारा कुछ कर लिया, मतलब मेन टॉपिक्स बहुत अच्छे से कर लिए और बाकी कुछ भी ठीक तरीके से पढ़ लिया। अब जैसे कि आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम हैज़ हाउ मेनी क्रोमेटिड्स, ये भी उसी चैप्टर का क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है कि देखो, एक ही चैप्टर से अभी आपके पास 1-2 क्वेश्चन लगातार मिल गए, तो ऐसा हो सकता है कि पूरे पेपर में क्या पता 2-3 क्वेश्चन और हों। तो अगर पूरे पेपर को मिलाकर एक टॉपिक से या एक चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन और हो गए, तो टोटल मान लो 5 क्वेश्चन आ गए एक चैप्टर से। 5 क्वेश्चन 5×4=20, तो 20 नंबर आ जाएंगे आपके एक चैप्टर से बहुत ही आसानी से। तो मतलब करना क्या है कि आपको जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसके देखना है कि उसके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। चैप्टर पढ़ने से पहले, कोई भी आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, तो उसको पढ़ने से पहले आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओ, उसमें क्वेश्चन देखो कि इस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए बुक को पढ़ो, उस चैप्टर को पढ़ो, उस टॉपिक को पढ़ो और बहुत अच्छे से पढ़ो। फिर जब आप वो पूरा चैप्टर कर लेते हो या पूरा टॉपिक कर लेते हो, उस टॉपिक को जब तक पढ़ना छोड़ो जब तक आप प्रीवियस ईयर के 3 या 4 साल के क्वेश्चंस सॉल्व ना करो सेम टॉपिक से। मतलब कि मान लो आपने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ा, अब इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल जाएगा, बट इसके अलावा भी पूरे पेपर में ढूंढो इस चैप्टर से, वैसे इस चैप्टर से रिलेटेड कितने क्वेश्चन है, वो भी करने की कोशिश करो। फिर इसके बाद जो इसके जो पहले के पेपर हुए हैं या इसके बाद के जो पेपर हुए, इसके प्रीवियस ईयर के 2-3 साल के कम से कम पेपर उठाओ और उनमें भी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, जब तक आप उसको सही ना कर पाओ। और आंसर की के चक्कर में मत पढ़ो कि आंसर की लगा लिया याद कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। देखो, एफिशिएंट तरीके से पढ़ने का तरीका यही होता है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसके क्वेश्चंस देखो। अगर आप उसके क्वेश्चंस देखने के बाद टॉपिक पढ़ोगे, तो टॉपिक को और उस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग उस प्रोसेसिंग ऐसी करेगा कि आप उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करेगा। इससे वो चीज़ें आपको ज़्यादा देर तक याद रहेंगी और वो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और अगर बिना पेपर उठाए आप पढ़ोगे, तो वो बहुत जल्दी भूल जाओगे, वो प्रोडक्टिव चीज़ नहीं होगी। अब यही सेम चीज़ अप्लाई होती है आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री पे, लेकिन उसको पढ़ने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें जो देखो बुक्स में क्या होती हैं, थ्योरीज दे रखी होती हैं, और पेपर में जो आते हैं वो क्वेश्चंस आते हैं थोड़े से, जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चंस आ गए, कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो उसमें क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर की एक ऐसी बुक लेनी है, मतलब जो बहुत सारी बुक्स आती होंगी, जैसे बोर्ड्स के लिए प्रदीप की बुक आती है, तो उसमें क्या होता है कि आपके मेडिकल के और इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस दिए रखे होते हैं विद सॉल्यूशन। तो उसको क्या करना है, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप देख के पहले सॉल्व करो, देख के इतना ज़्यादा सॉल्व कर लो कि उसको आप बिना देखे सॉल्व कर पाओ, उसका आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। फिर जो टॉपिक आप पढ़ रहे थे उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करने की कोशिश करो। और कोई भी दिक्कत आती है, तो यूट्यूब पे हजारों में वीडियोज़ हैं और अच्छी क्वालिटी वीडियोज़ हैं। अगर आप देखना चाहोगे जो कोई भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत आती है, तो वो टॉपिक आपको सिंपली लिख के सर्च करना है यूट्यूब पे, हजारों में वीडियोज़ मिलेंगी और आपका
कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और रिएक्शन मैकेनिज्म की अगर बहुत लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत हो रही होगी तो रिएक्शन मैकेनिज्म की भी हज़ारों में वीडियोज़ हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हज़ारों में वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर, हर एक टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आपको करना क्या है कि सिर्फ इसी तरीके से पढ़ना है, अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे। होपफुली ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कोई भी दिक्कत रहती है।